नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इन दिनों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भूमाफियाओं और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। छतरपुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा विगत रोज की गई एक ऐसी ही कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। जिला प्रशासन की ओर से निर्देश मिलने के बाद तहसीलदार छतरपुर संजय शर्मा ने छतरपुर के न्यू कॉलोनी इलाके में एक प्लॉट पर बनी बाउंड्री को तोड़ दिया था। इस बाउंड्री और इस प्लॉट के मालिक खुद को आबिद सिद्दीकी खुद को बता रहे हैं। आबिद सिद्दीकी छतरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आबिद सिद्दीकी का कहना है कि रातों रात उन्हें भूमाफिया करार दे दिया गया और उनकी बाउंड्री को तोड़ दिया गया, जबकि ये उनका खुद का प्लॉट है जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने 1989 में कराई थी। कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी ने इस मामले में शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। मुझे भी वो माफिया और अतिक्रमणकारी घोषित किया गया। मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं आम जनता तक और प्रशासन तक ये बात पहुंचाऊं कि मेरे द्वारा विधिवत 1989 में रजिस्ट्री की गई थी, जमीन मेरी है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जब मुद्दा रखने वाला ही अगर चोर है तो मुद्दा कैसे रख रहा है, इसलिए मुझे अपनी बात रखना थी कि मेरे साथ प्रशासन ने गलत ढंग से मुझे भूमाफिया सिद्ध किया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अगर मुझे नोटिस दे देते और अगर वो पूछ लेते हो, मैं अपने कागज़ दिखा देता और कह देते मुझसे कि ये फर्जी है, तो मैं अपने आप ही शांत हो जाता। भाई साहब, तानाशाही है मुख्यमंत्री के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, हमेशा से किसी भी बड़े अधिकारी बड़े लीडर के द्वारा किए गए घोषणाओं का दुरुपयोग लोग व्यक्तिगत भी करते रहते हैं। तो कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और न्यायालय में जाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि उनके कागज को देखे बगैर, उनके दस्तावेजों को जांचे बगैर उन्हें रातों रात भूमाफिया करार दे दिया गया। जिस तरह से प्रशासन द्वारा नगर में कार्रवाइयां की जा रही हैं वो उसी तारतम्य मेरे ऊपर भी की गई, इसलिए और मीडिया और प्रशासन द्वारा मुझे भूमाफिया या अतिक्रमणकारी घोषित किया गया तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ता रहता हूँ, अपने कागजों की और सारी परिस्थिति से मीडिया को अवगत कराऊं जिससे आम जनता इस बात को समझ पाए। इस बुलेटिन में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी खबरों से लगातार अपडेट रह सकते हैं। नमस्कार।